नमस्कार सत्य सन्धान को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज भी बंची रही मानविकता निपट मफसल को मागना स्वास्थ्य सेवा जगाई दबापई पहुंचले कटक और भुवनेश्वर विभिन्न विभाग डाक्तर। एभली घटना देखिबाकु मिलिछि बालेश्वर जिला उपदा ब्लॉक अधीनस्थ फतेपुर पंचायतर फतेपुर हाईस्कूल परिसर रे अनुष्ठित होईछि मागना स्वास्थ्य शिविर। पुरातन छात्र मानक मिलित उद्यम रे एही शिविर आयोजित होईथिला। कटक एवं भुवनेश्वर डाक्तर निरंजन महापात्र, डाक्तर अजय कुमार हाथी, डाक्तर प्रशांत कुमार विश्वाल, डाक्तर उमाकांत खेजुरिया, डाक्तर अजित कुमार पंडा, डाक्तर स्वरूपानंद महांति, डाक्तर हिमाद्री शंकर भंज पहुंची रोगी मानू परीक्षा निरीक्षा करने सहित मागणारे औषध बंटन करिछंती। प्राय 500 अधिक रोगी चिकित्सित होते। खोर्धा जिलार अवसरप्राप्त जिलापाल निरंजन साहू, फतेपुर स्कूल प्रधान शिक्षक सुदर्शन पाणिग्राही, अवसरप्राप्त शिक्षक निरंजन महांति समेत पुरातन छात्र और ग्रामवासी मैंने उपस्थित रही कार्यक्रम को सुचारू रूपे परिचालना करते। निरंजन महांति ये फतेपुर हाईस्कल हलवाई एसोसीएसन प्रेसीडेंट अच्छी। आज हेल्थ कैंप कर उद्देश्य हूँ मफसल अनेक लोक स्वास्थ्य सेवा वंचित होती जापार ना ठीक भाव सरकार के द्वारा जो प्रेरित होती स्वास्थ्य व्यवस्था से ठीक भाव भाग नहीं पारना तेणु आज ये आम जो डाक्टर कलेक्टर थे निरंजन साहू इसे स्कूल मेन्टर अच्छा चेष्टा ये गोटे हेल्थ कैंप कर आज 500 रोगी ये उपकृत होती। यहाँ आम समस्त खुशी विषय जे इमती आहरी अधिक हेल्थ कैंप ये हो अंचल लोक उपकृत हूँ एक आम चाहूँ सर आप जो मेडिसिन देले कौन एम लोक कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे ना 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 प्रत्येक मेडिसिन टेस्ट ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट समस्त पुरातन छात्र एवं जे मेंटर अच्छा निरंजन साहू अनुष्ठान स्टाफ मैंने समस्ते किसी अनुदान रही भितर ये समस्त रोगी की औषध पक्ष टेस्ट सब फ्री दिखाई सर कैंप कैद जारी रही आज थे कले या कर ना ना आज तो आम आरंभ कलु तो शेष कही हेनी के कि आम भावुँ जेहतु एत पेसेंट हो निकट भविष्य आउ थे कैंप आम कर प्रकृत जो हेल्थ कैंपटा होता हूँ फतेहपुर हाईस्कल बालेश्वर जिलार मुझ यार जन पुरातन छात्र मो ना निरंजन आज जो हेल्थ कैंप है कहीं कौ सुविधापी आप चाह कले नहीं आम जो पुरातन छात्र मैंने आम सब बस आम मो स्कूल कार्यक्रम सब मिलित हूँ से स्कूल किसी भल काम करने समस्त उद्देश्य आहेतु आमर ये विशेष हेल्थ सुविधा टी अभाव रही है से आम कि बाहर डॉक्टर भी किसी आनी कि मेडिसिन जोगाड़ कर बहुत खुशी है प्राय 500 अधिक लोग आसिक कैंप्रे चिकित्सित होकर औषध नहीं हेल्थ कैंप थे आगे ही मनस्थ कर तो आम भावुँ आम जेहेतु ये स्कूल रू अनेक पिला डाक्तर होती से आज बहुत खुशी आस आशा करूँ गोटे रेगुला फिचर कर सुदर्शन पाणिग्राही फतेपुर हाईस्कल हेड सर आज जो ये प्रोग्राम होमर यहाँ बहुत दिन सफल था आलमी मैंने बहुत दिन है भाविले करें कि जो पेंडामिक कोविड 19 सब बंद होता जहाँ एवं से समय आसला पुणी आलमी मानक इच्छा आज पूरण होती खुशी लगे तो जो हेल्थ कैंप है आप मानसिक स्तर कौन खुशी अच्छा कौन भावुँ बर्तमान ये जो समय जो आम 5G स्कूल चलती घर सब भागी दिखाई अवश्य आमको भारी असुविधा लगुला तापर भी जहाँ आम दुटा तीन टा घर आम सुविधा कर मैनेज कर भावु बोधे किसीटा असुविधा होती पेसेंट मान तथापि जहाँ आम कर पेसेंट मान पाखु आम जहाँ पाई रिपोर्ट से बहुत खुशी अच्छा भले भाव होती कारण 500 जो पेसेंट आने ट्रिटमेंट नहीं चाहिए बहुत खुशी जाऊँगी आम अनुभव कर डॉक्टर निरंजन महापात्र मेडिसिन स्पेशलिस्ट ये स्कूल छात्र थी पुरातन छात्र आज मुझे निजी गर्व अनुभव करुच्ची छुट्टी दिन में मोर अफे आज ये आसी ये अंचल किसी लोक सेवा दे पार्टी स्वास्थ्य सेवा जहाँफल आम बहुत पेसेंट मान को डायबिटीज स्क्रीनिंग टेस्ट कलु हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर
ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲୁ, କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଆମର ସ୍କିନ୍ ଡାକ୍ତର, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ଡାକ୍ତର, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ପାଥୋଲୋଜି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସଫଳ ଭାବରେ 500 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଓ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଭଗବାନ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ଲୁଟେଇ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ ନ ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବି ସେବା କରିବା ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠିକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ମୁଁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଟିଚରମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏଠି ଆସିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେବା ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏଠିକାର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ତଥା ପୁରାତନ ସରପଞ୍ଚ ଏଇ ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଜି ଏଇ ଫତେପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଗୀ ଡାକ୍ତର ରୋଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ଔଷଧ ତାଙ୍କର ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଜଣେ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ, ଡାଇବେଟିସ୍ ମୋର ଅଛି, ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠି ଔଷଧ କ'ଣ ବିତରଣ କରାହେଉଛି, ଔଷଧ ନେଇକି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇପାରିଲେ ହେଇପାରନ୍ତା? ଏଇ ଷ୍ଟେମ୍ପ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଆମେ ବର୍ଷ ମାସ ପରେ ଥରେ ଯଦି ପ୍ରତି ବର୍ଷର ନିହାତି 2-3 ଥର କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଅନ୍ତା, ଏଠିକାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭଲ ରକମ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।